सास माँ बन सकती है बहू बेटी बन सकती है तो आपका बेटा एक औरत से प्रेम करता है प्यार करता है तो आपको भी तो उसे प्यार करना है और प्यार से रखना है have a good relationship with her. बदलेगी um, जमाने की सोच संसार के नियम वेलकम टू आई डब्ल्यू वी आर एट लॉन्च ऑफ क्योंकि सास माँ बहू बेटी भी होती है सो मैम बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू शो थैंक यू सो मच थैंक यू When you got this offer of this show, how you reacted to play a saas Uh, actually, जैसे ही मुझे ये कहानी uh, सुनाई uh, गुरुदेव जी ने हमारे producer ने और मेरा character के बारे में मुझे बताया तो मैंने immediately हाँ बोल दी क्योंकि इतना unique concept है इतना अच्छा character है तो I have to do it. Uh, saas का किरदार निभाना most of actresses avoid to do on hmm. uh, on screen, but you accepted it. Right? Reason behind this? क्यों नहीं सास क्यों नहीं बनना है आ, हम तो दिखा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि सास माँ और बहू बेटी बन सकती है तो आ, मैं मानती हूँ कि किरदार अच्छा हो तो एक्टर को करना चाहिए और इसीलिए मैं कर रही हूँ इंडियन फैमिली में हमेशा बेटी को कहा जाता है कि ससुराल जाने के बाद तू बेटी बनकर रहना सास को हमेशा कहा जाता है कि बहू भाई तो उसके साथ बेटी जैसा बर्ताव करना लेकिन कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ गलती हो जाता है एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट क्या कहना चाहेंगे हाँ तो यही ना क्यों हमें बोलना चाहिए लोगों को कि yeah. बहू के बेटी तुम्हारा जब जाएगी तो बेटी बन के रहना बेटी को ऑटोमेटिकली बेटी बन के ही रहना है yeah. और सास को भी यही समझना है कि हाँ मुझे मेरे घर में ये लड़की आ रही है तो मुझे उसकी माँ के जैसे ही बिहेव करना है yeah. सास तो नाम है इस रिश्ते का पर रिश्ता तो प्यार का है ना अगर वो आपके आपका बेटा एक औरत से प्रेम करता है प्यार करता है तो आपको भी तो उससे प्यार करना है और प्यार से रखना है तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल बोलना भी नहीं चाहिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए yes, yes. आपको कभी कहा था आपकी ने कि ससुराल जाएगी तो अब बेटी बन सो नहीं हमें आई डोंट बिलोंग टू सच कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फैमिलीज हमारे यहाँ तो हमेशा इट वॉज लाइक दैट माई मदर वॉज लाइक माई यू नो लाइक अ डॉटर टू माई ग्रैंड मदर शी शीज टू बी हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ हर एंड लाइक वाइज तो ये सारी चीज़ें बोली नहीं जाती आई थिंक कहीं आपको देख के सीख लेते हो yeah. तो ये मैंने देख के सीखा है और मैंने तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया था जब भी हम सांस का नाम लेते हैं टी शो में तो हम एक विलन की तौर पे देखते हैं वी ऑलवेज सी कि वो नेगेटिव होगी खड़ूस होगी बट दिस टाइम इज़ समथिंग डिफरेंट टू डू समथिंग डिफरेंट इज इज चैलेंजिंग फॉर यू यूज इट इज़ डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग एंड दैट्स वाई आई एम एक्साइटेड टू डू दिस रोल क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स एक एक्टर की लाइफ में बहुत कम आते हैं जहाँ कुछ एकदम अलग सा आपको करने का मौका मिल रहा है तो कहने को तो सास है पर ये बदलेगी जमाने की सोच संसार के नियम और एक बहुत ही कठिन संकल्प लिया उसने कि वो ये छोटी सी बच्ची को अपनी बेटी नहीं बहू की तरह गोद ले रही है तो अच्छा है अगर बात किया जाए शो में जैसे कि आपने कहा शो में कि बहू को बेटी को बहू की तरह पाल है आपने कहा सूरज से इसकी शादी होगी लेकिन क्या केसर रेडी होगी फ्यूचर में तो वही ये बहुत ही प्रोग्रेसिव शो है इसलिए क्योंकि उसने संकल्प तो लिया है कि मैं इसे अपनी बहू की तरह यू नो बड़ा करूँगी पर उसने ये भी बोला है आ, अंबिका ने कि पर फाइनल चॉइस रहेगा केसर का केसर चाहती है सूरज सूरज से प्यार शादी करना या नहीं सूरज चाहता है केसर से शादी करना या नहीं और यू you नो know, तो yeah. ये मेरे हिसाब से बहुत ही मॉडर्न प्रोग्रेसिव थिंकिंग है ऐसा नहीं है कि वो केसर को बांध दिया उसने उसने यही सिर्फ बोला कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस रिश्ते को बदल दूँ आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम किया है वैन यू कम विद अ टी वी टी वी का एक बेस कॉमन हो जाता है इनडायरेक्टली साउस भाव की वो ट्रिपिकल ड्रामा शो आ जाती है ड्यो फिल की ये जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होगा ये शो से नहीं, हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चेंज होगा क्योंकि आप देखेंगे कि ये आ, क्योंकि इस शो का मेन जो बोलते हैं एक फाउंडेशन है ये दिखाना है आपको कि सास माँ बन सकती है बहू बेटी बन सकती है तो ये तो हम आई थिंक एक पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहे हैं और आई होप के दर्शकों को अच्छा लगे

बट इट्स ओके इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब एज एन एक्टर सो नो प्रॉब्लम एनी टच यू हैव गि मैं हमेशा जब ओबियसली ये एक स्टाइल होती है पर मेरा टच यही होता है कि हमेशा मैं अपना मेकअप बहुत यू नो लाइट रखती हूँ आई डोंट लाइक वेरी लाउड मेकअप आई लाइक टू कीप इट सेटल सो दैट इज़ द वन थिंग आई ऑलवेज ट्राई टू डू विद माई कैरेक्टर्स

क्योंकि सास माँ बहू बेटी है आपके घरों में आ रहा है 18 सितंबर से शाम साढ़े छः बजे सिर्फ जी टी पर तो प्लीज़ देखना एंड शो अस योर लव थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग टाइम एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच